अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूँ वफा फूड सिटी एंड व्लॉग में। रात का टाइम है, गालबन 7:15 का टाइम होने वाला है, 7:15 का टाइम होने वाला है, इशा की अज़ान आ रही है। तो थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाए। और अदील भाई से हम जो है वो टिक्का बोटी खाने आए हैं। माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं ये अपने जायकों में, अपने जो है वो लाजवाब जायकों की वजह से बहुत मशहूर हैं। आपको इनसे मुलाकात कराते हैं और जो यहाँ पर ग्राहक आए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो भाई इधर टिक्का खाया है। हाँ भाई साहब, कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा था ना? अच्छा था, गुड था, गुड हो गया। यस यस। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? दायरे से आए हुए ना? टिक्का खाने आए हैं। वाह जी वाह, वेरी गुड। दस्ताने भी देखो, फिर एक लाइक भाई के लिए हो जाए। हो जाए भाई, इसी खुशी में अभी और खिलाएगा दो दिन। कोई मसला नहीं है भाई, को मैं डिनर करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इधर एक और ग्राहक आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सईद भाई, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है सर। आप भी अद्दू के जो टिक्के हैं उनके बारे में क्या आप राय देना चाहेंगे? आपको अच्छे लगते हैं उनके टिक्के? जी जी, अद्दू के टिक्के माशाल्लाह बहुत टेस्टी होते हैं। पहले हमें जाना पड़ता था बाजार वाली साइड पे। अच्छा, अब माशाल्लाह ये हमारे नज़दीक आ गए हैं और इनका टेस्ट भी ऐसे होता है माशाल्लाह। हम खुशी से पार्सल भी ले जाते हैं और यहाँ बैठ के भी खाते हैं, रात दोस्त आ जाते हैं। यानी कि लोग सही कहते हैं कि अद्दू के जो टिक्के हैं बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशहूर है, टेस्ट है। चलें जी, शुक्रिया सर, आपने इंटरव्यू दिया हमें। अब आपकी मुलाकात कराते हैं अदील भाई से, जो कि इस शॉप के ओनर हैं। जी हैं हमारे जाने पहचाने अद्दू भाई। सर ये आपने कितने अरसे पहले शुरू किया था काम? बस उमर भाई, ये मुझे एक डेढ़ साल हो गया है टिक्के का काम करते। माशाल्लाह। तो अदील भाई आपके टिक्के इतने मशहूर क्यों हैं? हालांकि आपका बिल्कुल एक सिंपल सा सेटअप है, ना कोई इतनी ख़ास डेकोरेशन है, ना ही कोई इतनी ख़ास कोई बनावटें हैं, ना कोई फूल बूटे कुछ भी नहीं, उसके बावजूद आपके टिक्कों में ऐसी क्या बात है कि आप टिक्के इतने? भाई ये कुदरती निज़ाम है, एक अल्लाह पाक के निज़ाम बना हुआ है माशाल्लाह। आपके हाथ में यानी कि टेस्ट है माशाल्लाह। अच्छा आप ज़रा बताएंगे आप ये टिक्के कैसे बनाते हैं? ये सर आप देख लेना, 12 सालों से बना हुआ है। आप देखें टिक्के का रंग देखें, लुक देखें, कितने प्यारा है। क्या बात है अदील भाई। अच्छा, मेरे मुंह से पानी आ गया। बस उतार के खिला रहे हैं भैया आपको। अच्छा हाँ, बैठे हैं आप। मुझे पार्सल भी कर दें। अच्छा जी, 3 अलग से पार्सल कर दें और 2 अलग से पार्सल कर दें। ठीक है उमर भाई, अभी कर। माशाल्लाह, देखते ही देखते इतना रश हो गया अदील भाई की शॉप पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदील भाई कितना टाइम लगेगा बनने में? बस भाई उमर भाई तैयार है, आप तो 2 मिनट दे दो, भाई को दे दो, बच्चे। हाँ भाई को दे दें आप, हम तो वीडियो बना रहे हैं। अदील भाई आपके पास क्या क्या होता है? ये सर जी मेरे पास होती हैं चांपे होती हैं, पोटा कलेजी होती है, टिक्का होता है माशाल्लाह, अल्लाह तेरा भला हो, पीस होते हैं, जस्ट होता है। आप पार्सल का खास इंतजाम करते हैं? हाँ जी हाँ। ये जो अदील भाई आपने ये ऊपर छिड़का है, ये चीज़ क्या है? ये मसाला है। मसाला है? कौन सा मसाला है? ओए होए होए होए, ये क्या छिड़क रहे हैं? चाट मसाला। ओए होए, मैंने सुना है आपकी दही भी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, ये बच्चा है अपना यार उमर भाई। वाह 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 माशाल्लाह, इतना ख़ास इंतज़ाम आपका पार्सल का, वाह जी वाह। बस उमर भाई आपकी दुआ से ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इधर ये भाई आ गए टिक्का खाने के लिए। जी अदील भाई अब ये बन चुके हैं? हाँ जी, ओके हो गए हैं उमर भाई। अब माशाल्लाह ये मेरे हैं ना? हाँ जी, ये आपके हैं। चलें जी पार्सल करें आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह माशाल्लाह। उमर भाई खुशबू देख रहे हैं कैसे? ओए होए होए होए, अदील भाई जरा एक तोड़ के इसकी सॉफ्टनेस दिखाएं, एक एक तोड़ के ना, ये थोड़ी सी। ओए होए होए होए, देखा है अंदर से कितना गला हुआ, क्या बात है अदील भाई। ओए होए माशाल्लाह, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा आपके लेमन से। अच्छा हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह। सर जी जो माशाल्लाह, हमारे शहबाज भाई भी आ गए हैं, आ जाएं आ जाएं माशाल्लाह। ओए होए होए, अच्छा तो ये उमर भाई अलग अलग करनी है? हाँ, 2 अलग 3 अलग। ठीक है
साथ कुछ और गाहक जुड़ गए हैं अदील भाई के। मिसाल है जी काय साहब, क्या हाल है? टिक्के बड़े टेस्टी, बड़े मशहूर माशाल्लाह। दोस्त है सिनेमा से। अच्छा माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल। ओहो ये तो शहबाज भाई हैं। शहबाज भाई कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं इस टाइम में इधर? मैं घर बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो मैंने कहा अदील भाई के जाके टिक्के खाते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। तो अदील भाई ने आपके साथ भी कोऑपरेट किया? जी जी बिल्कुल कोऑपरेट किया, उन्होंने वीडियो बनवाई है बड़ी कमाल की। अच्छा जी। और उनसे उनके जो आने वाले ग्राहक थे हमने उनसे भी बात की है, तो माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव। बहुत अच्छा काम करते हैं जी, बहुत ही कम रेट है इनके माशाल्लाह। और ये देसी मसाले लगाते हैं। वाह जी वाह, इसलिए इनसे लाजमी टिक्का टेस्ट करें। ओके। मंडी रोड के ऊपर इनकी शॉप है। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं और बहुत सस्ता बनाते हैं माशाल्लाह। ट्राई लाजमी किए करें। तो अफवाही ये जी इनका लोगो, एक उनका एक आप बोर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने नाम रखा हुआ है जी अद्दू के मशहूर टिक्का बोटी, जिसमें आपको मलाई बोटी, रेशमी कबाब, कलेजी बोटा, चिकन पीस, चिकन टिक्का और वगैरह वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी हमारे काशिफ भाई आ चुके हैं, एक और हमारे मेहमान गेस्ट आ चुके हैं। काशिफ भाई ठीक हो? माशाल्लाह। आप भी सफ़र करके कहीं दूर से आए हैं अदील भाई के टिक्के खाने? मैं ना 88 पे से आया हूँ। ओए होए, अदील भाई की स्पेशल। यहाँ से 7 किलोमीटर है जी, 88 बोल। वाह वाह, 7-8 किलोमीटर। तो टिक्का बोटी ये मैंने आपकी वीडियो भी पहले भी देखी थी माशाल्लाह, तो मैंने कहा क्यों ना टेस्ट कर लें। तो अभी आए हैं, आए आपको भी टेस्ट करवाते हैं। जी जी साहब भी आए हुए हैं जी, उनको टेस्ट करवा दें। जी जी टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाएं हमें। ये ना आप नहीं, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं सर, हम भी थोड़ा सा। ओए हो हो, क्या बात है। ये काशिफ भाई को भी चेक करवाएं पूरी पूरी जगह। आप ऑर्डर कर रही है? नहीं आप ऐसे कर रहे हैं, हमारे स्टिकर लगा है ना, पांच स्टिकर लगा। ओए काशिफ भाई वाह, स्टिकर लगा देना, क्या बात है। ये चार स्टिकर लगे काशिफ भाई, बात है। आ जाओ ऊपर भाई। जी जी आ गए आ गए। हां तो काशिफ भाई चेक करें यार कैसी है। हां नहीं पहले उमर भाई आप चेक कर लेना। जी जी उमर भाई को भी खिलाएं ना आदि। इतना अच्छा टेस्ट है ना माशाल्लाह। अच्छा पहले ना हमें काफी दूर दूर जाना पड़ता था, ये एक और चौक, बस अभी काफी है। हमें जाना पड़ता था चौक नूरशाह के ऊपर, तो वहाँ पर आमिर भाई हमारे मशहूर हैं और बाकी काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी टाइम लगता था वहाँ पर रेस्ट करना था और काफ़ी टाइम लग जाता था, दूर भी हो जाता था हमारे घर से, लेकिन ये बिल्कुल घर के नज़दीक है, करीब है, हम पैदल भी आ सकते हैं। ओ अब नज़ीम शाह आया हुआ है यार उमर भाई। ओ बाकी इंशाल्लाह यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं, बाकी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।